कच्चे मिट्टी के बने हैं जिसमें ढाल दीजिए अभी भी कोई कड़ापन नहीं होता है। नहीं हम एसी में सुतबे सो नहीं है। नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का स्टॉप टीवी पर देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और कलाकारों का संपूर्ण जीवन वृत्त हम प्रसारित कर रहे हैं। आज हमारे बीच सहरसा या मधेपुरा के ही से पधारे हुए डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली है। आप मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश बिहार के, कवि पत्रकार साहित्यकार तो हैं ही, रेडियो में ये लिसनर सब, फिर ये डीएक्सर रहे। इनके कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जैसे कैर है, स्वर सारे, एक और दुनिया के बारे में, अफसोस के लिए कुछ शब्द, राजधानी में एक उज्बेक लड़की या पृथ्वी का प्रेम काल, प्रेस में भी है कुछ किताब जिसमें प्रेम में कपास इत्यादि है। शेष में चाहूंगा कि आप खुद, अरविंद जी आपका स्वागत है इस स्टूडियो में, और इससे जो छूट गया हो आप खुद इसमें शामिल कर लेंगे, और मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने जिस विधा में काम कर रहे हैं उसके संघर्ष संपूर्ण यात्रा जो है इसको आप विस्तार से आप उल्लेख करेंगे। स्टॉप टीवी के सभी दर्शकों का मैं अरविंद श्रीवास्तव अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बड़े खुशी की बात है कि मुझे अपने विचार, अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने का इस चैनल पर अवसर मिला। मित्रों, मेरी साहित्यिक अभिरुचि तो सच कहा जाए तो आरंभिक दिनों से ही रही है। लेखन लेखनी के प्रति एक हमारे परिवार का एक विरासत भी रहा है इस दिशा में। लेकिन मैं मूल बातें आपको स्पष्ट कर दूं कि 1970 और 80 के दौरान प्रस्फुटन हुआ साहित्य का मुझ में। तो वो हुआ कि आरंभ में लेखन लेखनी या रेडियो सुनना ये मेरी अभिरुचि रही। 80 आते आते हमने दो विधा में अपने को समर्पित कर दिया। सर्वप्रथम हम रेडियो लिसनिंग और डीएक्सिंग को मुक्त सर में आपको स्पष्ट कर दूं, नए रेडियो स्टेशन की तलाश करना, उसके जो सिग्नल स्ट्रेंथ है या उसको डिकोड करना, उसका एक कूट शब्द होता है सिम्पो प्रणाली, उसके तहत हम उन रेडियो प्रसारण केंद्रों को अपडेट करते रहते थे कि आपका प्रसारण ईस्ट बिहार में
या उत्तरी बिहार में कैसा सुनाई पड़ता है। अब एक दो छोटे उदाहरण से देखें, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल, वो जर्मनी, पहले दो जर्मनी थी, उसमें पूर्वी जर्मनी जिसको GDR कहते हैं, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसकी राजधानी बर्लिन थी, और इधर बॉन हो गया पश्चिम जर्मनी का, फेडरल रिपब्लिक का। तो GDR की जो राजधानी बर्लिन थी, वहाँ का जो मुख्य प्रसारण केंद्र था RBI, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल, उसके DX विभाग की सदस्यता मुझे मिली 1981 में हमको उसकी सदस्यता मिली। फिर हम अनवरत लगभग 10 वर्षों तक उसके DX विभाग को इधर के क्षेत्र में उसके जो प्रसारण होते रहे भेजता रहा। तो एक अवार्ड उनका होता था, वो जैसे 500 प्रोग्राम का हम भेजे, फिर 1000 का, 2000 का, तो 2000 प्रोग्राम का हम लिपिबद्ध करके उसे डिकोड करके वहाँ भेजे, जो करेक्ट था, सही था, तो उसको H2000 का अवार्ड हमको दिया गया बर्लिन से, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल से, जो दुनिया के गिने चुने DXRO को मिल पाया। खैर, उसी दौरान हम DXing के अलावे अखबार में और लघु पत्रिकाओं में लेखन का काम शुरू कर दिए। अखबार में खास करके हिंदुस्तान पटना संस्करण आने लगा था, तो अपने इलाके की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी वो हम नियमित रूप से भेजते थे, और वहां से हमें सेवा फल मिलता था, अर्थात मिनिमम 200 रुपया, 400-250 ऐसे करके प्रत्येक के छपने के बाद हमको मिलता था। उसी क्रम में लघु पत्रिकाओं में आने लगे। कालांतर में आप देखेंगे जो देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं, यथा हंस, बागर्थ, कथा देश, शुक्रवार, और जो भी आप बहुत सारी पत्रिकाओं के नाम आप जानते होंगे, तमाम में मेरी रचनाएं आती रही। उसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा कि 90 के दशक में रेडियो पर 80 के का जो समापन हुआ, तब यूरोप से साम्यवाद का खात्मा लगभग सा हो गया, अर्थात साम्यवादी राष्ट्रों ने अपनी तंबू को समेट लिया। इससे आशय है कि पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे, मसलन GDR, पूर्वी जर्मनी जिसे कहते हैं, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इन देशों से साम्यवाद का खात्मा कह सकते हैं, अथवा विचारधारा का ये हुआ, शासन प्रणाली बदल गया। तो उसी आसपास की बात है रेडियो बुडापेस्ट और रेडियो प्राहा, प्राहा मीन्स प्राग, प्राग चेकोस्लोवाकिया की राजधानी, इन रेडियो केंद्रों पर हमको वहाँ के DX विभाग की सदस्यता मिली। तो मुख्यतः हम काम किए बर्लिन का, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल, और स्टॉप न्यूज के साथियों को ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष मीडियों पर एक फिल्म जर्मनी में बनाई गई, और वो फिल्म का नाम है द साउंड ऑफ फ्रेंडशिप, और 19 अक्टूबर को, याद रखें 19 अक्टूबर को बर्लिन का जो प्रसारण केंद्र है फंक हाउस, तो फंक माने प्रसारण का घर जो है, स्टूडियो नंबर 2 में शाम 6 बजे जर्मनी के टाइम के अनुसार 19 तारीख को मेरे फिल्म का प्रसारण किया गया। सैकड़ों लोग उपस्थित थे बर्लिन, और जो जर्मनी के जो प्रतिष्ठित रंगकर्मी, साहित्यकार और मीडिया से जुड़े बंधु थे, वो तमाम लोग उपस्थित थे। मैं कुछ का नाम आपको बोल दूं, क्लॉस फिशर साहब जो डॉइचे वेले या RBI के डायरेक्टर रहे थे, फिर आरिफ नकवी साहब, उज्ज्वल भट्टाचार्य,
सभी ने मारिता हॉप्समन, फ्रीडमन थे, और भी कई नाम हैं जो रेडियो बर्लिन के उद्घोषक थे या उसके तकनीशियन थे, सभी लोग उपस्थित थे स्टूडियो नंबर 2 रेडियो बर्लिन का जो केंद्र है अर्थात फंक हाउस 18, उसमें 19 तारीख को मुझ पर एक फिल्म बनी थी। तो उसमें खास करके ये था कि भारत और जर्मनी का जो रिश्ता था 80 के दशक में, एवं रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल ने इसको पड़घार बनाने में इस संबंध को क्या काम किया, ये दर्शाया गया है। क्योंकि केंद्रित मुझ पर फिल्म थी तो इसलिए वो उस फिल्म में हम उसकी जो स्क्रीनिंग हुई 19 तारीख को, तो हम लाइव संबोधित किए हैं अपने मित्रों को, दर्शकों को, और जो जर्मनी के मीडिया कर्मी थे उनको हमने ये लाइव संबोधित किया है। तो ये हालिया घटना हो गई। इसके बाद आते हैं मित्रों, मेरी 5-6 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, कविता ही मेरी मूल विधा है, कविता लेखन, फिर प्रगतिशील लेखक संघ का मैं प्रांतीय सचिव सह मीडिया प्रभारी रहा हूँ, लेखन, फिर सोशल मीडिया के आ जाने से ये हुआ कि 2012 में बेस्ट ब्लॉगर का सम्मान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुझे दिया था नई दिल्ली के हिंदी भवन सभागार में। ये बेस्ट ब्लॉगर का, ये मेरा ब्लॉग था उन दिनों, जनशब्द बहुत सक्रिय था। तो ये सब सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और मेरे लिए ही नहीं बिहार के लिए ये सौभाग्य है कि इन चीजों में हमने, मैं अव्वल रहा और प्रथम स्थान पाया। बहुत सारे क्षेत्र रहे, शैक्षणिक रूप पर भी मुझ में एक लेखन लेखनी का जुनून तो रहा ही है। जब मैं स्नातकोत्तर का छात्र था तो मैं अकेला छात्र था अपने इंस्टीट्यूट सहरसा पीजी सेंटर से, जो रशियन हिस्ट्री लिया था, सोवियत संघ का इतिहास, और अमूमन लोग ऑप्शनल पेपर में अमेरिका का इतिहास लेते थे। तो मैं धारा के विपरीत चलते हुए अकेला रशियन हिस्ट्री पढ़ा, उसमें एग्जाम दिया पोस्ट ग्रेजुएट में, स्वाभाविक है कि निर्विरोध प्रथम श्रेणी आना ही था। तो खैर, इसी तरह एक हॉबी रही राजनीति शास्त्र की। तो उन दिनों अर्थात 1980 के आसपास भारत में जितने दूतावास थे वहां से पत्रिकाएं निर्गत की जाती थी, बहुत सारी पत्रिकाएं, हमारे दर्शक मित्र भी जानते होंगे, जैसे सोवियत संघ देश था तो यूथ रिव्यू पत्रिका, सोवियत वीमेन पत्रिका, इस तरह से कई पत्रिकाएं वहां से आती थी। इसी तरह विभिन्न एम्बेसी के द्वारा पत्रिकाएं, जर्मन भूमि, जर्मन लैंड, तो इस तरह से हर दूतावास की पत्रिकाएं हम मंगाते थे और वहां से पुस्तकें मंगाते थे। प्लस जो विश्व के चुनिंदा रेडियो स्टेशन हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की रेडियो बर्लिन का, उसी तरह NHK हो गया जापान, जापान के रेडियो स्टेशन को NHK कहते हैं, ताशकंद हो गया, उज्बेकिस्तान की राजधानी थी वहाँ रेडियो स्टेशन था, आदि कई स्टेशनों से हमें उस देश का इतिहास प्लस उसका गिफ्ट, या मेरी जो हॉबी थी, रुचि थी, उसके तहत हम उसे समीक्षात्मक लेटर लिखते थे या कविता रिकॉर्डिंग करके भेजते थे। 80 से ये सिलसिला चलता रहा रेडियो के माध्यम से, प्लस साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से। मैं स्वयं सिलसिला साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, 5-7 अंक हम निकाले थे, लघु पत्रिका थी। फिर कई पत्रिकाओं में या स्मारिकाओं में संपादन का काम किया। तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, तो इसलिए अनवरत ये सिलसिला चलता रहे, मैं ये चाहता हूँ। सभी मित्रों का आभार। आपने प्रगतिशील लेखक के राज्य सम्मेलनों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के कवि गोष्ठियों का संचालन भी किया। जी हाँ, वो मुझे मालूम है जी।
तो आपको तो संचालन के भी विशेषज्ञ हैं। हाँ, अरे जहाँ जो मिला हम लोग तो कच्चे मिट्टी के बने हैं, जिसमें ढाल दीजिएगा ढल जाएंगे। अभी भी कोई कड़ापन नहीं होता है, नहीं हम एसीए में सुतबे सो नहीं है, अरे जरूरी आएगा तो यहाँ बिछा के सो जाएंगे, तो वो तो नेचर हम लोग में। नहीं, नहीं, ये तो आपका आपकी काफी खासियत है, और घुलने मिलने में भी आप जहाँ भी जाते हैं चाहते हैं भैया सबको मिलकर, और हमसे किसी को शिकायत नहीं रहे। अमूमन आप देखेंगे हम जो बात भी करते हैं तो हाथ जोड़ के ही करते हैं। एक किसी भी रिक्शा वाले को हम सर कहते हैं, बड़े लोग को हम जल्दी सर नहीं कहते हैं। अच्छा, लेकिन छोटे है की सर की दादी है। आप सहरसा के सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ के समारोहों में आप सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, मधेपुरा में खास करके और सहरसा में तो रहे ही है, और पटना की गतिविधियों को भी केंद्रित आपके साथ मुझे कई समारोह में मेरा सौभाग्य है कि कई अवसर आपके साथ मिले हैं। और राज्य इकाई जो बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का है, उसके द्वारा जो आयोजन वगैरह होता रहा विगत में, उसमें भी सक्रिय भागीदारी रही। संप्रति में राज्य सचिव सह मीडिया प्रभारी हूँ, लेखन लेखनी अनवरत पूर्व की तरह है। अरविंद भाई जी, आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद किया, सब कुछ किया, लेकिन आप अपनी कोई रचना नहीं सुना पाए हमारे दर्शकों को, तो आप एक या दो ऐसी चुनिंदा रचना। अच्छा, भाई सर का आदेश है तो मैं इसका पालन करते हुए अपनी एक छोटी सी कविता चंद पंक्ति की सुना रहा हूँ, और वो कविता मुझे भी पसंद है, और कई स्तरों पर इस जर्मनी में एक हालिया एक शोध हुआ है, उसमें ये कोट भी किया गया है इस कविता को, तो वो आ चुका है मेरे पास। खैर, वो मैं चार पंक्ति की छोटी सी कविता है। प्रेम में कईयों ने खून से खत लिखे, प्रेम में कईयों ने खून से खत लिखे, कईयों ने लिखी कविताएं, मैंने मैदान में दौड़ाई साइकिल, लगाया चक्कर कई कई बार हैंडल छोड़ के प्रेम। ये एक छोटी सी कविता स्टॉप टीवी के दर्शकों के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद जी, आप तो हमारे मित्र भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और आपने अपनी संपूर्ण जो साहित्य यात्रा है इसको विस्तार से बताने की चेष्टा की। आपके प्रति स्टॉप टीवी की ओर से मैं बहुत आभार धन्यवाद। और आपसे भी, आप अगर साहित्यकार हैं कलाकार हैं तो आप अपने संपूर्ण जीवन यात्रा का वीडियो, आप चाहे यहाँ ना भी आए तो आप कहीं से भी अपना छोटे छोटे ढाई तीन मिनट के अंदर का वीडियो बना के हमारे इस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं 7004839500। इस व्हाट्सएप पर आप भेजिए, हम उसको प्रसारित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कच्चे मिट्टी के बने हैं, जिसमें ढाल दीजिएगा ढल जाएंगे। अभी भी कोई कड़ापन नहीं होता है, नहीं हम एसीए में सुतबे सो नहीं है। बड़े लोग को हम जल्दी सर नहीं कहते, लेकिन छोटे की सर की जाती है। प्रेम में कईयों ने खून से खत लिखे,
प्रेम में कईयों ने खून से खत लिखे, कईयों ने लिखी कविताएं, कईयों ने लिखी कविताएं, मैंने मैदान में दौराई साइकिल, लगाया चक्कर कई कई बार, हैंडल छोड़ के प्रेम में।